नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुक्की आपके समक्ष प्रीतिकालीन कवि पद्माकर जी के कवित्व लेकर प्रस्तुत हूँ, जो आपकी ऐच्छिक हिंदी में है। कवित्व वर्णिक छंद होता है, जिसकी विशेष लय होती है, विशेष आरोह अवरोह होता है। तो उस लय का ध्यान रखते हुए मैं इन कवित्तों का वाचन करूंगी, आप उसको ध्यान से सुनिए और सीखिए। पहला कवित्व, और भाति कुंजन में गुंजरत भीर भौर और डौर झोरन पे बोरन के हो गए। काहे पद्मा कर सु और भाति गलिया ने छली अच्छा बिले छले और छवि छ गए। और भाति भी हग समाज में आवाज होती ऐसे ऋतु राज के ना आज दिन दो गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे माने औरे बने हुए गए। दूसरा कवित्व देखिए, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं। कहे पद्मा कर परोस पीछ वारन के द्वारन के दौरी गोने अगोने गने नहीं। तो लो चलित चतुर सहेली आई को कहूँ निके के निचोर ताही करते मने नहीं। हो तो शाम रंग में चुराई चित चोरा चोरी बोरत तो बोरो पे निचोरत बने नहीं। तीसरा कवित्व देखिए, भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में मंजुले मल्लारन को गावनो लगत है। कहे पद्मा करे गुमा न होते मान होते प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चाहूं ओरन हिंडोरन को बृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। पहले कवित्त में कवि पद्माकर जी वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वसंत ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है, तन मन में एक उमंग छा जाती है और साथ ही वातावरण भी बहुत खुशनुमा हो जाता है। तो उसी का चित्रण देखिए, इसीलिए वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। और ए भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, और ए भांति यानी अलग तरह का, कुंजन यानी बगीचे में। यहाँ जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ मैंने लाल रंग से लिखे हुए हैं ताकि आपको भावार्थ समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ए भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर यानी बगीचे में भंवरों की भीड़ हो रही है, वो गुंजरित हो रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं और उनका गुंजार अलग ही तरह का है, यानी उनके गुंजार में भी एक खुशी झलक रही है, प्रफुल्लित होने का भाव उसमें सुनाई पड़ता है। और डौरे झोरन के बोरन पे हुए गए, और जो आम की डालियां हैं उन पर आम के जो बौर होते हैं उनके गुच्छे लग गए हैं। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियन, पद्माकर जी कहते हैं कि गलियों में भी औरे भांति का अलग ही तरह का माहौल है। छलिया छबीले छैल और छबी छुए गए यानी छल करने वाले सुंदर युवक, मनचले युवक, उनकी भी सुंदरता देखते ही बनती है, उन पर भी मानो मस्ती का रंग छाया हुआ है। और ये भांति बीहग समाज में आवाज होती, और बीहग समाज के बारे में यहाँ बताया गया है, यानी पक्षी समाज, पक्षियों के समूह के जो आवाज है, जो कलरव है, वो भी अलग ही तरह का है, उसके उनके कलरव में भी एक अलग ही खुशी झलकती है। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दुआ गए, और कवि कहते हैं कि ऐसे ऋतुराज वसंत के आज 2 दिन भी नहीं गए हैं कि मौसम खुशनुमा हो गया है, मौसम में एकदम बदलाव आ गया है। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, और अलग तरह का ही रस रीति राग रंग फैला हुआ है, यानी प्रकृति में और लोगों में भी एक अलग ही खुशी का माहौल बना हुआ है। और तन औरे मन औरे बने हुए गए, और तन मन और वन में भी, यानी प्रकृति में भी चारों तरफ सौंदर्य छा गया है और तन मन में भी उमंग और उल्लास का
माहौल बन गया है। ओके, दूसरा कवित देखिए, गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के। इस कवित में पद्माकर जी होली के त्योहार के समय लोगों पर जो मस्ती का रंग चढ़ता है, और ब्रज की होली तो बहुत फेमस है, गोकुल और ब्रज में जो होली खेली जाती है, तो वहाँ होली में लोग किस तरह से मजाक मस्ती करते हैं और किस तरह से वहाँ के लोग मस्त हो रहे हैं, उसका चित्रण किया है। साथ ही जो गोपियाँ हैं उन पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है और उनकी दशा भी यहाँ दिखाई गई है। देखिए, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, कि गोकुल के कुटुंब परिवार के लोग, गलियों और गलियों के ग्वाले, साथ ही गांव के लोग सब मौज मस्ती में उमंग में चूर हैं, मस्त हैं, जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं, और जिसको जो मन में आ रहा है वो कुछ का कुछ बोल रहा है और कहते नहीं बनता कि वो क्या बोल रहे हैं, यानी वो इतना मौज मस्ती में डूबे हुए हैं कि वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं। कहे पद माकर परोस पिछवारन के द्वारन के दौरी गुन अगुन गने नहीं। पद्माकर जी कहते हैं कि पड़ोस में पिछले घर के दरवाजों के लोग दौड़ दौड़ कर एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं और कुछ का कुछ बोल रहे हैं, वो गुण अवगुण को भी नहीं गिन रहे हैं, यानी गुण अवगुण पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तोलो चलित चतुर सहेली आई को कहूं, नीके के निचोरिता ही करत मने नहीं। तो पद्माकर जी कहते हैं कि एक चतुर सखी के बारे में, तो चलिए एक चतुर सखी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्या कहें उसके बारे में। नीके के निचोरिता ही करत मने नहीं, उसका अच्छी तरह से निचोड़ने का मन नहीं करता है, यानी जिस तरह से रंग में वस्त्र गीले हो जाए उनको निचोड़ने का मन नहीं करता, वैसे ही गोपी प्रेम के रंग से रंगी हुई है और वो प्रेम के रंग से अलग होना नहीं चाहती, अर्थात वो कृष्ण से अलग होना नहीं चाहती है। हो तो श्याम रंग, देखिए श्याम रंग, श्याम के दो अर्थ यहाँ हैं, श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है, एक तो होता है श्याम यानी काला और दूसरा श्याम यानी होता है कृष्ण। तो यहाँ ये काला जो रंग है, श्याम रंग है, ये कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, तो वो सखी क्या कहती है, वो गोपी क्या कहती है कि मैं तो कृष्ण के प्रेम में ऐसी डूब गई हूँ कि चोरी चोरी उन्होंने मेरा चित चुरा लिया है, मेरा हृदय ले लिया है, बोरत तो बोरो पे निचोरत बने नहीं, और उनके रंग में कृष्ण के प्रेम में मैं ऐसी डूब चुकी हूँ कि मुझे निचोड़ते हुए नहीं बनता, अर्थात उस कृष्ण प्रेम को मैं अपने आप से विरक्त होने नहीं देना चाहती हूँ, उससे दूर होना नहीं चाहती हूँ। तीसरा कवित देखिए, इस कवित में कवि पद्माकर जी ने पावस ऋतु का चित्रण किया है, वर्षा ऋतु का चित्रण किया है, जिसमें कि बहुत बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मोर नाच उठते हैं, चारों तरफ झूलों की बहार होती है, झूले डल जाते हैं और लोगों के मन में प्रेम उमड़ता है इस ऋतु में, तो उसका चित्रण यहाँ पद्माकर जी करते हैं। भौरन को गुंजन बिहार बने कुंजन में, देखिए पद्माकर जी कहते हैं कि भौरन यानी भंवरों का गुंजन यानी गुंजायमान होना या गुंजन करना, भंवरे जो गुंजाते हैं, जो आवाज निकालते हैं उसको गुंजन कहते हैं, तो वन कुंजन में यानी वन और उपवन में जो भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं वो कैसे प्रतीत होते हैं, मंजुल मल्लारन को गावनो लगत है, उनका जो गुंजार है वो ऐसे लगता है जैसे सुंदर मलार राग गाया जा रहा हो। भंवरे मिलकर एक साथ बारिश ऋतु में जो गुंजन करते हैं, कवि उसके बारे में कहते हैं कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मल्हार राग गाया जा रहा हो। बारिश ऋतु में गाया जाने वाला राग होता है जिसे मल्हार राग कहते हैं, ये बहुत ही आकर्षक और मनोहारी लगता है, तो यहाँ भंवरों का गुंजन भी मल्हार राग के जैसा प्रतीत हो रहा है। कहे पद माकर गुमाना होते माना होते प्राणा होते प्यारो मन भावनो लगत है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि गुमानव यानी रूठे हुए, मानव यानी मान किए, अकड़कर बैठे हुए, प्राणों ते प्यारा मन भावनो लगत है, यानी प्राणों से भी प्यारा और मन भावन लगता है, या प्रेमी या प्रेमिका की बात की गई है
कि ऐसे मौसम में यदि प्रियतम रूठ भी जाए, मान करके बैठ जाए, तो उसे मनाना भी बहुत अच्छा लगता है। और इस ऋतु में अपना प्रेमी अपना प्रियतम प्राणों से भी प्यारा लगता है। इस ऋतु में रूठना और मनाना अच्छा लगता है। मोरन को सोरे घने घोर चहूर, और मोरन का यानी मोरों का शोर यानी आवाज, मोर की आवाज को केकी कहते हैं। तो मोर की जो केकी है वो चारों तरफ सुनाई देती है। घनघोर चहूर, चारों ओर घनघोर घटाएं छाई रहती हैं। हिंडोरन को बृंद छवि छावनो लगते हैं, और डाल डाल पर झूले पड़ जाते हैं। चारों तरफ झूले जो पड़े हुए होते हैं, उनका दृश्य या झूला झूलना अच्छा लगता है, उनका दृश्य सुंदर दिखता है। नेह सारे सावन में, मेह पर सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब बारिश में मेह बरसते हैं, पावस ऋतु में मेह बरसते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो नेह बरसा रहे हो, यानी प्रेम बरसा रहे हो। सावन में झूली वो सुहावनो लगत है, और सावन में झूला झूलना, हल्की हल्की सी फुहारें पड़ रही हो, मौसम एकदम सुहावना हो रहा हो, और ऐसे में झूले पर झूलना बहुत ही सुहावना या अच्छा लगता है। तो ये तीनों कवित्त और इनका अर्थ हो गया। अब इनका शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। तीनों कवित्त में जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। छंद जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है, कवित्त है जो कि वर्णिक छंद होता है। इसमें वर्णों के आधार पर इसको रचा जाता है। इसके बाद इसमें जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, चित्रात्मक शैली में किया है, जिससे पाठक के समक्ष वो ऋतु का चित्र सा उपस्थित हो जाता है। तो चित्रात्मक शैली हो गई। साथ ही इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकार कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, वो आप छांट कर लिख ही देंगे। अलंकार यानी अलंकार टॉपिक लिख करके और उसके सामने कौन कौन से अलंकार आए प्रयोग सहित उनको लिखेंगे। साथ ही इन कवित्तों में श्रृंगार रस है और साथ ही माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। गेयता और संगीतात्मकता भी विद्यमान है। तो ये इनका शिल्प सौंदर्य हो गया, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको कवित्त अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।